हेलो, आई एम विश्व दीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम बात करेंगे स्टैटिक लोड वर्सेस डायनेमिक लोड, यानी स्टैटिक लोड और डायनेमिक लोड क्या क्या चीज होती है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं स्टैटिक लोड की। तो स्टैटिक लोड जो है आपका, ठीक है, स्टैटिक लोड में तीन कंडीशंस होती हैं। स्टैटिक लोड में तीन कंडीशन होती है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ लोडिंग एंड थर्ड वन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोडिंग, एप्लीकेशन ऑफ लोडिंग। ठीक है, यानी स्टैटिक लोड तब स्टैटिक कहलाएगा जब उसमें ये तीन कंडीशन फॉलो करेंगे, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, डायरेक्शन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोडिंग। यदि ये तीनों कंडीशंस, ठीक है, यदि ये तीनों जो कंडीशन हैं टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही, यानी टाइम के साथ इन तीनों कंडीशंस में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो उस लोड को कहेंगे हम स्टैटिक लोड। ठीक है, तो उस लोड को हम कहेंगे क्या, स्टैटिक लोड। तो स्टैटिक लोड के लिए ये तीन कंडीशन को होना जरूरी है। जैसे कि यदि आपने कोई एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए आपने कोई एग्जाम्पल लिया ही, एक आपने मेंबर ले लिया, ठीक है, एक कंपोनेंट का कोई मेंबर ले लिया है, और आप इस पर क्या है, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक मैग्नीट्यूड 30 किलो न्यूटन का फोर्स इस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये इसके जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बराबर रहेगा 30, ठीक है, और जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपका ये रहा। यदि आप इन तीनों ही कंडीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये जो मेंबर है वो स्टैटिक लोडिंग में आएगा। ठीक है, यदि आप इसकी जो 30 किलोमीटर को आप यहाँ पे लगा रहे हैं, तो आपने क्या कर दिया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दिया, तो ये कौन सा हो जाएगा, डायनेमिक लोडिंग, यानी ये स्टैटिक लोडिंग में नहीं रहेगा। तो स्टैटिक लोड तभी लोड होगा जब उसमें ये तीन कंडीशन आपकी टाइम के साथ वेरी नहीं करती हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोडिंग। तो जब हम स्टैटिक लोड की बात करते हैं, तो स्टैटिक लोड में कोई भी कंपोनेंट या किसी भी मेंबर को ब्रेक करने के लिए आपको मैक्सिमम स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई मेंबर लिया, ये ठीक, इस पर आपका जो मैग्नीट्यूड है पी है, तो आप यदि इस जो मटेरियल है, यदि इस मटेरियल को आप फेलियर करना चाह रहे हैं, इसको ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ही डायरेक्शन में आप क्या उसको पुल करेंगे, खींचेंगे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं अभी आपको, मान लीजिए ये आपका कोई मेंबर है, इस पर आप स्टैटिक लोडिंग का अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इसको ब्रेक करने के लिए आपको मैक्सिमम स्ट्रेस की आवश्यकता पड़ेगी। आप उसकी ना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ना फोर्स चेंज कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड, ना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर रहे हैं। तो इन स्टैटिक लोडिंग में, यानी आपका जो स्टैटिक लोडिंग है उसमें जो आपके मेंबर्स होते हैं वो आपके सेफ रहते हैं, और वो उसको ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम स्ट्रेस को आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपका इस डायनेमिक लोडिंग है, तो आपका सॉरी जो स्टैटिक लोडिंग है, स्टैटिक लोडिंग में क्या होगा, आपका स्टैटिक लोडिंग में जो आपका स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस की वैल्यू होगी, स्ट्रेस आपका क्या होगा, हाई होगा, बहुत ज्यादा हाई। ठीक है, स्ट्रेस आपका हाई होगा, और इसमें जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स क्या रहेंगे, आपके सेफ रहेंगे। ठीक है, यानी जल्दी से आपका जो मटेरियल है, अगर वो स्टैटिक लोडिंग के अंदर आता है, तो वो मटेरियल या कंपोनेंट है वो जल्दी ब्रेक नहीं होगा। तो ये बात रही हमारी स्टैटिक लोडिंग में। तो स्टैटिक लोडिंग में क्या होता है, स्टैटिक लोडिंग में हम जब भी बात करते हैं, तो स्टैटिक लोडिंग में आपका जब आप स्ट्रेस टाइम के साथ, स्ट्रेस और टाइम का जब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, स्ट्रेस और टाइम का ग्राफ बनाएंगे, तो उसमें जो स्ट्रेस होता है वो
चेंज नहीं होता है, मतलब जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा वो आपका मिनिमम स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस मिनिमम स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। तो यदि हम मीन निकालते हैं, ठीक है, मीन निकालेंगे, मीन स्ट्रेस, तो मीन स्ट्रेस क्या होता है आपका, सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और यहां पर वेरिएबल स्ट्रेस निकालेंगे, तो वेरिएबल स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन अपॉन 2। ठीक है, तो इस केस में यदि आप मीन स्ट्रेस निकालेंगे तो मैक्सिमम और मिनिमम क्या है, मैक्सिमम है, तो यहां पर मीन स्ट्रेस किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा मैक्स के बराबर आ जाएगा, क्योंकि सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मैक्स 2 सिग्मा मैक्स 202 कर गए, तो क्या बचा हमारे पास, सिग्मा मैक्स। बट जब हम वेरिएबल लोडिंग की बात करेंगे, मतलब वेरिएबल स्ट्रेस की बात करेंगे स्टैटिक लोडिंग के लिए, तो क्या होगा, सिग्मा मैक्स माइनस मिनिमम किसके बराबर है, मैक्सिमम के क्या आ जाएगा, 0। तो मतलब क्या है आपका, तो आपका जो स्टैटिक लोडिंग है, स्टैटिक लोडिंग में जो आपका मीन स्ट्रेस है वो आपका मैक्सिमम स्ट्रेस के बराबर होता है, और वेरिएबल स्ट्रेस जो है वो 0 होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है स्टैटिक लोडिंग में, कि आपका जो मीन स्ट्रेस है वो मैक्सिमम के बराबर है, जो वेरिएबल स्ट्रेस है वो 0 के बराबर है, इसलिए जो मेंबर्स होते हैं स्टैटिक लोडिंग में वो आपके सेफ रहते हैं। ठीक है, ये तो बात रही हमारे पास स्टैटिक लोडिंग की। ठीक है, अब बात करते हैं डायनेमिक लोडिंग में क्या होता है। डायनेमिक लोडिंग में आपको किसी भी कंपोनेंट को ब्रेक करने के लिए आपको मिनिमम स्ट्रेस की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए आपका ये वायर है, यदि आप इसको अप डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कंप्रेशन टेंशन, इसकी वजह से क्या है, यह जो वायर है डायनेमिक लोडिंग में वो आपका अल्टीमेट और यील्ड स्ट्रेस से पहले ही आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो क्या है, जैसे आपका कोई वायर नहीं, ठीक है, इस वायर को आपको ब्रेक अल्टीमेट डायनेमिक लोडिंग में ये वायर आपके पास, तो वायर पे क्या होगा, आप इसको एक तरीके से क्या करेंगे, कंप्रेशन करेंगे, ये कंप्रेशन हुआ, फिर आपने इसको टेंशनाइज किया, तो कंप्रेशन टेंशन इसकी वजह से क्या है, आपका जो वायर है डायनेमिक लोडिंग में वो बिफोर आपका जो क्राइटेरियन है यील्ड और अल्टीमेट स्ट्रेस का, यील्ड और जो अल्टीमेट स्ट्रेस का जो क्राइटेरिया है अल्टीमेट, ठीक है, उस क्राइटेरिया से पहले ये ब्रेक हो जाएगा। तो मतलब डायनेमिक लोडिंग में यदि आपको कोई भी कंपोनेंट को ब्रेक करना है तो आपको मिनिमम स्ट्रेस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यानी आपका कोई डायनेमिक लोडिंग है तो आपका क्या है, कंपोनेंट बिफोर यील्ड और अल्टीमेट स्ट्रेस से पहले ही क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका अप एंड डाउन एंड कंप्रेशन टेंशन की वजह से क्या है, आपका वायर आप क्या कर रहे हैं, उसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज कर रहे हैं। आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जब भी चेंज करेंगे क्या होगा, आपका जो वायर है वो यील्ड और अल्टीमेट स्ट्रेस से पहले ही ब्रेक हो जाएगा। ठीक, सही है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या है, हम लिखेंगे इसमें डायनेमिक लोडिंग में कंप्रेशन और टेंशन की वजह से क्या होगा, डायनेमिक लोडिंग में कंप्रेशन टेंशन की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो चेंज हो रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसलिए जो आपका जो मटेरियल है बिफोर यील्ड और अल्टीमेट स्ट्रेस, यील्ड और अल्टीमेट स्ट्रेस से पहले ही क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा या फेलियर हो जाएगा। सही है, तो डायनेमिक लोडिंग में हमें क्या है, जो आपका
मेथड है उसमें क्या है, आप कंप्रेशन टेंशन की वजह से आपका जो बिफोर यील्ड और अल्टीमेट स्ट्रेस पर क्या है, आपका मटेरियल फ्रैक्चर हो जाएगा। इसमें हमें जो स्ट्रेस की जो अमाउंट है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। ठीक है, तो आपके डायनेमिक लोडिंग में तीन चीजें आती हैं, आपका जो डायनेमिक लोडिंग है, डायनेमिक लोडिंग है वो तीन तरीके की होती डायनेमिक लोडिंग, फ्लक्चुएटिंग, रिपीटेड और थर्ड वन कंप्लीटली रिवर्स। ठीक है, तो डायनेमिक लोडिंग के तीन तरीके होते हैं, फ्लक्चुएटिंग, रिपीटेड एंड कंप्लीटली रिवर्स। ये डायनेमिक लोडिंग की तीन प्रकार की लोडिंग्स होती हैं। ठीक, तो डायनेमिक लोडिंग में हमारे फ्लक्चुएटिंग, रिपीटेड और कंप्लीटली रिवर्स होती है। अब इनके ग्राफ देखते हैं स्ट्रेस और टाइम के बीच में। टाइम, स्ट्रेस, फ्लक्चुएटिंग लोड। ठीक है, टाइम, स्ट्रेस, रिपीटेड, स्ट्रेस, टाइम, कंप्लीटली रिवर्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, डायनेमिक लोडिंग में जो तीन वे होते हैं, फ्लक्चुएटिंग लोडिंग, फ्लक्चुएटिंग लोडिंग, रिपीटेड लोडिंग और कंप्लीटेड रिवर्स, उनके तीनों के डायग्राम बना लिया स्ट्रेस और टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अगर फ्लक्चुएटिंग लोडिंग होगा तो उसमें कुछ ना कुछ मिनिमम होगा स्ट्रेस, कुछ मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो मिनिमम स्ट्रेस होगा, कुछ आपका मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम से मिनिमम आएगा, फिर मिनिमम से मैक्सिमम जाएगा और आपका यहां ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये फ्लक्चुएटिंग लोडिंग के लिए है। अब रिपीटेड में क्या होगा, जैसे कि आपका आईसी इंजन का जो बॉल्व होता है वो आपका फ्लक्चुएटिंग लोडिंग की कंडीशन में आता है। ठीक है, ये आपका क्या है, मिनिमम स्ट्रेस, ये आपका क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक है, तो जब आपका आईसी इंजन का वॉल्व होगा, जब आपको ऑपरेशन में नहीं लेना होता है तो मिनिमम, जब ऑपरेशन देते हैं तो मैक्सिमम स्ट्रेस, तो यही आपका क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम, ये फ्लक्चुएटिंग लोडिंग के लिए है। ठीक है, रिपीटेड मतलब आपका जो स्ट्रेस है रिपीटेड का, वो जैसे ब्रेक सिस्टम, आपका ब्रेक है, आपका क्लच है, तो जो मिनिमम होगा वो मिनिमम क्या होगा, आपका जीरो, क्योंकि आपकी स्ट्रेस इसमें ब्रेक अप्लाई नहीं करते हैं तो आपका स्ट्रेस क्या होगा, मिनिमम, और ब्रेक अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेस क्या होगा, मिनिमम मैक्सिमम। तो यहां से जब आप इसकी बात करेंगे, ठीक है, तो ये आपका आता है ब्रेक सिस्टम, जो भी है, जो आपका ब्रेक है और क्लच है वो आपका रिपीटेड में आता है, क्योंकि आप क्या करते हैं, क्लच दबाया, फिर उसको छोड़ा, क्लच दबाया, उसको छोड़ा, ब्रेक अप्लाई किए, मैक्सिमम स्ट्रेस, ब्रेक छोड़ दिए, मिनिमम स्ट्रेस, तो मिनिमम कितना होगा, जीरो स्ट्रेस उस कंडीशन में, तो आपका क्या है ये, रिपीटेड। और कंप्लीटली रिवर्स मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस है यहां पर, ये आपका क्या है, मिनिमम स्ट्रेस है। ठीक है, ये टेंसाइल है यहां पर, ये कंप्रेसिव है। ठीक है, टेंसाइल, फिर यहां पर ये कंप्रेसिव, टेंसाइल और कंप्रेसिव। ठीक है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस, फिर मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, ये आपका क्या है, कंप्लीटली रिवर्स। जैसे कि ब्रेक, आपने ब्रेक और क्लच है, स्टार्टिंग में क्या है, जब आप ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेस क्या होता है, मैक्सिमम, लेकिन जैसे ही आप ब्रेक को अप्लाई नहीं करते हैं उस टाइम भी मिनिमम स्ट्रेस होगा आपका, यहां पर जीरो होगा, मिनिमम क्या होगा आपका, जीरो, और यहां मैक्सिमम क्या होगा, मैक्स। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीटली रिवर्स और जो डायनेमिक लोडिंग है उसके तीनों टाइप्स हो गए। ठीक,
तो आपका क्या है, तो डायनेमिक लोडिंग में वो जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगी वो सिग्मा, और जो मिनिमम स्ट्रेस होती है वो क्या होता है माइनस, कंप्लीट रिवर्स की बात कर रहे हैं यहां पर, तो मिनिमम हमारे पास ये होता है। तो अगर हम मीन निकालेंगे, मीन स्ट्रेस, तो मीन क्या होता है सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मीन डिवाइडेड बाय 2, तो इस केस में जो आपका क्या आएगा 0, ठीक है, और सिग्मा जो आपका वेरिएबल होगा, वेरिएबल स्ट्रेस, वो क्या हो जाएगा सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मीन, सॉरी माइनस सिग्मा मीन अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा यहां पर सिग्मा। यानी कि डायनेमिक लोडिंग में आपका जो मीन स्ट्रेस है उसकी वैल्यू 0 होती है और वेरिएबल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम या सिग्मा होती है, ठीक है। तो वेरिएबल स्ट्रेस जो होगा वो आपका मैक्सिमम स्ट्रेस होता है डायनेमिक लोडिंग में। तो इसमें मतलब क्या समझे हम, इसमें ये समझा जो डायनेमिक लोडिंग है आपकी, डायनेमिक लोडिंग में क्या होगा आपका जो मीन स्ट्रेस है वो 0 हो जाएगा और जो आपका वेरिएबल स्ट्रेस है वो आपका मैक्स के बराबर हो जाएगा। तो मतलब कि आपके लिए जो स्ट्रेस की अवेलेबिलिटी है डायनेमिक लोडिंग में वो मिनिमम होगी, ठीक है, क्योंकि आपने मिनिमम कंप्रेशन टेंशन, कंप्रेशन टेंशन, तो क्या करेंगे आप पॉइंट ऑफ लिंकिंग चेंज कर देंगे, उसकी वजह से क्या है आपको बहुत कम स्ट्रेस में ही आपकी जो मेटल मटेरियल है वो फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ बात कर ली डायनेमिक लोडिंग वर्सेस स्टैटिक लोडिंग, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अगर यदि आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। थैंक यू।